हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू विकिपीडिया क्लासेस। दिस इज़ मोहित आनंद और आज के वीडियो में आई विल गिव यू अ सिंपल ट्रिक रिलेटेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यू ऑल नो आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन पार्ट 4 डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इन सारे आर्टिकल्स को लर्न करना। सो आज की वीडियो में आई विल गिव यू सिंपल ट्रिक्स टू रिमेंबर दीज प्रिंसिपल्स। तीन पार्ट्स में हमने ट्रिक्स को डिवाइड किया है। दिस मीन्स यू हैव थ्री ट्रिक्स जिसके थ्रू आप आर्टिकल इफ आई से सिंपली 38 से लेके 51 तक सारे आर्टिकल्स को ईजिली याद रख सकते हो और पेपर में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट आर्टिकल 36 एंड आर्टिकल 37। ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए, आर्टिकल 36 गिव्स द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। जिन्होंने भी जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं अगर वो अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता है कि आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दे के रखी है। सो वही डेफिनेशन स्टेट की जो है वो आर्टिकल 36 में भी दी है। तो आर्टिकल 36 सिंपली सेज डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। और जब हम बात करें आर्टिकल 37 की तो 37 बोलता है दैट दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज और दीज डायरेक्टिव्स और कीप इन माइंड दीज डायरेक्टिव्स वाइल मेकिंग लॉज और पासिंग ऑर्डर्स। तो स्टेट ने जब भी कोई ऑर्डर पास करना है या कोई लॉ बनाना है तो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना है। यहाँ मैं आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल समझाऊंगा नहीं, आई विल जस्ट शो यू द ट्रिक। सो बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर एंड दिस इज़ ऑल्सो मैंशनड इन आर्टिकल 37 दैट दे आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर बट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू कीप इन माइंड दीज प्रिंसिपल्स वाइल मेकिंग लॉज और पासिंग ऑर्डर्स। तो कुछ भी करना है इन डायरेक्टिव्स को ध्यान में रख के करना, ये आर्टिकल 36 और 37 जो है वो बोलते हैं। अब जो आगे आर्टिकल्स 38 से आपके एक्चुअली में डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टार्ट हो जाते हैं और कहाँ तक चलते हैं 51 तक, जिसमें काफ़ी सारे जो हैं वो बाद में भी ऐड हुए हैं। जिन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़े हैं यू मस्ट हैव रिमेंबर दैट। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट। पहला जो ट्रिक का है वो क्या है, सो यू कैन सी हेयर दैट पार्ट वन में आई हैव अ फॉर्मूला विच सेज हु एल्स लाइक्स प्लेइंग विद माई चीप पीसी। पीसी माने पर्सनल कंप्यूटर। सो दिस इज़ द सिंपल फॉर्मूला, इसका पहला पहला वर्ड आपको ध्यान में रखना है। सो हु एल्स लाइक्स प्लेइंग विद माई चीप पीसी, सिंपल लाइन है, आप इजीली याद रख सकते हैं। और एक सिंपल लाइन जो है वो आपके नो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को आपको कंप्लीट करवा देगी। देखिए, डब्ल्यू से आएगा वेलफेयर स्टेट, सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू एक्चुअली एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट अंडर आर्टिकल 38। एंड रिमेंबर सारे के सारे सिंक्रनाइजेशन में है, क्रोनोलॉजी में है। सो इसमें आपको लाइन जो है वो अच्छे से ध्यान में रखनी है। सो हु एल्स लाइक्स प्लेइंग विद माई चीप पीसी, सो डब्ल्यू ई एल पी डब्ल्यू एम सी पी। तो जब भी पेपर में कभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल से क्वेश्चन आए और आप कन्फ्यूज़ हो तो आप ये ऊपर से लाइन लिख लीजिए एंड यू विल ईजिली रिमेंबर कि किस वर्ड के साथ कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। सो डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वेलफेयर स्टेट, देन कम्स द वर्ड ई, ई स्टैंड्स फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आर्टिकल 39 बोलता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। देन एल, एल स्टैंड्स फॉर फ्री लीगल एड, सो फ्री लीगल एड अंडर आर्टिकल 39A, सो यू शुड रिमेंबर दिस। देन पी स्टेट्स फॉर पंचायत, सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू ऑर्गेनाइज द पंचायत्स, सो आर्टिकल 40 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल डील्स विद पंचायत। देन डब्ल्यू, दिस इज राइट टू वर्क बेसिकली, आर्टिकल 41 डील्स विद राइट टू वर्क, सो यू शुड रिमेंबर विद द वर्ड वर्क, ये आपको ईजी लगेगा। देन कमिंग ऑन टू नेक्स्ट वर्ड एम, एम इज़ मेटर्निटी रिलीफ, सो मेटर्निटी रिलीफ जो है वो प्रोवाइड करवाना है विमेन को अंडर आर्टिकल 42, सो दिस इज़ वन सच डायरेक्टिव प्रिंसिपल। देन नेक्स्ट वर्ड इज सी, सी मीन्स कॉटेज इंडस्ट्री एंड लिविंग वेज। सो दो चीज़ें हैं, सी के दो पार्ट्स हैं बेसिकली, एक तो ये है कि विलेजेस में कॉटेज इंडस्ट्रीज डेवलप करवाना और इंडिविजुअल्स को या वर्कर्स को एक लिविंग वेज प्रोवाइड करवाना। और लिविंग वेज में क्या आता, पहले था मिनिमम वेज दैट इज़ रोटी कपड़ा मकान जो है उससे पूरा हो जाए, बट अब लिविंग वेज में रोटी कपड़ा मकान के साथ हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी जो है वो इंडिविजुअल को मिलनी चाहिए, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो आर्टिकल 43। देन अगेन पी, पी स्टैंड्स फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, दिस इज़ आर्टिकल 43A।
एंड देन सी विच स्टैंड फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर आर्टिकल 43B। सो अगर सिंगल लाइन आपको ध्यान में है तो ये सिंगल लाइन आपके नो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो आपको लर्न करवा देगी और ज़्यादा कुछ करना एक्चुअली में पड़ेगा नहीं आपको। सो यू शुड रिमेंबर दीज लाइन्स। फाइन, देन कमिंग ऑन टू योर नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज़ वेरी वेरी सिंपल। इसमें तीन हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आएंगे एंड सिंपली यू नीड टू रिमेंबर यू कैन सी। सो यू वाई से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ पे यू से स्टार्ट होगा, यू कैन सी। सो यू स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर आर्टिकल 44। सी स्टैंड्स फॉर चाइल्डहुड केयर अंडर आर्टिकल 45। सो अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है वो प्रोवाइड करवानी है अप टू द एज ऑफ 6 ईयर्स जो स्टेट ने प्रोवाइड करवानी है, जिसके अंडर आपके आंगनवाड़ी सेंटर्स वगैरह ओपन किए जाते हैं। तो दैट इज़ अंडर आर्टिकल 45। एंड एस सी और एस टी के लिए स्पेशल प्रोविजन है अंडर आर्टिकल 46, जिसमें एजुकेशनल प्रोविजन और जॉब्स के प्रोविजन जो है वो SC ST के लिए हैं। सो ये पार्ट सेकेंड में आप अगर सिर्फ ये लाइन ध्यान रखेंगे यू कैन सी, तो आपके तीन आर्टिकल्स जो है वो निकल जाएंगे, आर्टिकल 45, 44, 45 and 46। देन नेक्स्ट इज़ पार्ट थ्री, जिसमें सिंपल लाइन है आई कैन वॉच मैनी जंगल इमेजेस। इनका भी पहला वर्ड आपने लेना। आई स्टैंड्स फॉर इंटॉक्सिकेंट्स एंड लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। तो सिंपली आर्टिकल 47 क्या बोलता है कि स्टेट इंटॉक्सिकेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन को बंद कर सकती है और स्टेट का काम है लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को बढ़ाना है, दैट इज़ अंडर आर्टिकल 47। देन आर्टिकल 47 विद कम विद सी। सी इज़ काउज एंड एग्रीकल्चर। सो काउज की ब्रीड्स को बेटर करना और एग्रीकल्चर को डेवलप करना, ये आर्टिकल 48 में। देन डब्ल्यू 48A, दैट इज़ वाइल्ड लाइफ, यू हैव टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। देन एम, देन आर्टिकल 49, यू हैव टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स। देन जे, आर्टिकल 50, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को सेपरेट रखना। सो सेपरेट एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, सो ये ध्यान रखिएगा जे से। एंड आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इसके लिए काम करना। सो यू हैव जस्ट 3 फॉर्मूलाज टू रिमेंबर दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो फर्स्ट इज हु एल्स लाइक्स प्लेइंग विद माई चीप PC, सेकेंड इज यू कैन सी, एंड थर्ड इज आई कैन वॉच मैनी जंगल इमेजेस। सो अगर आप ये तीन लर्न कर लेंगे तो आपको क्रोनोलॉजी में, यानी यू नो फ्रॉम डिसेंडिंग आप ले लो या सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में, आपको सारे के सारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो लर्न हो जाएंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक बार अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए और 2-3 बार अगर आप देखेंगे तो आपको कभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लर्न करने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।